नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सरान। अभी मैं इसके बाल कटवाने जा रहा हूँ फिलहाल, और मैं अभी सो के उठा था। ही बड़े हो गए। आज का मौसम बड़ा अजीब हो रहा है। क्या देख रही हो? मम्मी कुछ देख रही है, दिखाता हूँ। पत्ता मिला है। हाँ, तो नई बात है इसमें कुछ? अरे नहीं, ये जो मोहब्बतों में उड़ते। अच्छा, फिल्मों में जो उड़ते हार्ट शेप का पत्ता। मोहब्बत के पत्ते हैं। चल रहे हो बाल कटवाने? चल जल्दी चलो, जल्दी चलो, टीका करा ले। जल्दी चलो, घंटा बज गया बेटा स्कूल का। तो बाल कटवाने के लिए निकले घर से, याद आया पैसे तो लिए ही नहीं। तो अभी पीने को भेजा है पैसे लेने के लिए। चलो पैसे लेकर आता मैं, तब तक यहाँ रुकता हूँ। और यार बहुत ठंड है बाहर तो, और कोहरा भी बहुत है जो कि पॉल्यूशन है। कट गए तेरे बाल तो? आज तो भैया कैची भैया ने टच भी नहीं करी, तब भी बाल कट गए भाई। चल 20 तारीख तक बढ़ भी जाएंगे इतने, सही हो जाए। मेरी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। हाँ सही हो जाए। पीनू के बाल सही लगे मम्मी? फौजी सही है, छोटे छोटे फौजी। आप मत रहे, बाल झड़ेंगे। मैं तो अभी कटा के आया, मैंने तो अभी कटाए थे। सांस देखो, ये तू सिक्का कैसे, ये देख दे, ये दस दस के में ना कंफ्यूज हो रहा था। ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सिक्का दे दिया। अरे तो पीछे आगे आगे वाला तो सही है ना, हेड्स हेड्स खराब है तो क्या, टेल्स तो सही है। आगे वाला तो सही है, लेकिन वो है ना, जब इन लोगों के पास जाओ ना तो वो ही कहते हैं अरे बहन जी ये नहीं चल पाएगा, ये काला हो रहा है, ऐसा सही नहीं है। और देने के टाइम पे कहते हैं अरे आप ले आना, हमारे पास ले आना, तो क्या हुआ हम चला लेंगे। तब तो इतना मुँह चलाते हैं लोग। तो मेरी गलती निकाल लियो तुम। अब जाके उसको बोल के आई हो? बोल के आऊंगा। जाने कितने सिक्के रखे मेरे पास ऐसे ही। इस बात पे गुस्सा हो रही है, और मम्मी की एक और वजह है गुस्सा होने की। मम्मी कह रहे हैं कि तू अपनी दाढ़ी ट्रिम करा के क्यों नहीं आया। मैंने कहा अभी अगर करा देता तो भाई, नहीं कराने का मन है मेरा इस बार। हाँ मैं लंच कर लेता हूँ। लंच में बनाया पराठा और छोले, फटाफट से खा लेता हूँ भाई। गरम गरम छोले बहुत बढ़िया बनाती है मम्मी, खाते हैं। उसके बाद ट्यूशन निकलना है मेरे को। मैं अभी जा रहा हूँ भाई ट्यूशन के लिए। ओ सॉरी, मास्क लगाना भूल गया, मास्क कह रहा लगा लूँगा बाद में। अभी मम्मी के साथ छत पे कपड़े सुखा कर आया हूँ। मम्मी कह रही नहीं तू सुखा दे, जल्दी जल्दी सुखा देता है। मैं फटाफट से गया, उस वैसे मैं 10 मिनट लेट भी हो गया। वैसे तो अभी 2:45 बज रहे हैं, 2 बजे मेरा ट्यूशन, लेकिन ऐसे जाते जाते मेरे को 20 मिनट लग जाते हैं। कोई नहीं, 5-10 मिनट लेट हो गया, सर कुछ नहीं कहते। चलो मैं सर से मिलता हूँ ट्यूशन जाने के बाद। आ गया भाई ट्यूशन से घर पे, और अभी जा रहा हूँ मम्मी को छोड़ने किसी काम से। मम्मी को उनकी फ्रेंड ने बुलाया किसी काम से। चलो मम्मी को उनके घर पे छोड़कर आते हैं। कहाँ है मम्मा? चलो मम्मी जी, चल रहे हो? बस ये कैमरा मेरे कैमरा क्यों लेके आ जाता है? तुम इतनी आता है जान के नहीं, मतलब कि मेरी मम्मी घूमती रहती है यहीं, देखता है कितना काम करती है मम्मी। अरे मैंने कब कहा? तो कैमरा में क्यों दिखा? अरे तुम इतनी अच्छी लग रही हो आज तो। हाँ। कैमरा तो तुम्हारे स्पॉटलाइट में रहनी चाहिए, लाइम लाइट में रहनी चाहिए तुम तो। पता है, सब पता है, पता है। आज फिर रैनी के साथ खेले हम लोग। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया आज भाग के। फिर तो खेला, मैं चला घर। आज भैया के बहुत दिनों बाद ये पियानो निकला है, थोड़ा बजाओ। बस बस बस। और दीदी बैकग्राउंड म्यूजिक में गिटार लेके, गिटारिस्ट सी माइनर बैकग्राउंड म्यूजिक, प्लीज शो समथिंग ऑडियंस। हमारे हम लोग ऑडियंस में दिखाओ, ऑडियंस और ये बजाएंगे। तुम सिंगर? हाँ हम सिंगर, हम सिंगर। ओके रिदम ही होती है इसकी। पीनू का बताना न्यू हेयर कट कैसा लग रहा है? तो अभी फिलहाल मम्मी जी जो हैं वो अपनी ड्रेस पे सी से चुपका रही हैं। क्या बात है, ऐसा लग रहा है मम्मी आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट मिला हुआ है और एक रात पहले आप कंप्लीट कर रही हो। ड्रेस वैसे आप चुपका के नहीं, ये तो ऑलरेडी चुपके ही हुए हैं, ये देखो।
अरे मैं कोई डेकोरेटिव नहीं कर रही हूँ, ये मैं इनको जो जो लूज हो गए ना उनको फिक्स कर रही हूँ, जिससे कि ये ड्राईक्लीन में निकले ना। ड्राईक्लीन पे जाएगी ड्रेस तो, और अगर सारे मिरर निकल के ड्रेस खराब हो जाएगा ना मेरा। सही बात है, चलो ये अलग। रात में मेरे मम्मी आ गए खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए। आज हम पतले हो जाएंगे भाई, आज हम पूरे पतले हो जाएंगे भाई। और कौन वॉक कर रहा है हमारे साथ? आ गया एक निकल गया है। हमारी गली का वॉच डॉग है ये, बहुत वफादार है भाई और बहुत प्यारा भी है, कुछ कहता नहीं है। इतना प्यारा है। मम्मी को डर लग रहा है, डर लग रहा है मम्मी को। मेरी मम्मी की वॉक हो गई और हम लोग आ गए, थक गए बहुत ज़्यादा। तो अब बारी इस ब्लॉग को एंड करने की। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के शेयर जरूर करना। तो ठीक है, आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिले कल सुबह एक नए धड़कते भड़कते ब्लॉग के साथ।